हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सभी का स्वागत है बेटा नीट अड्डा 247 पे। माय नेम इज सिद्धेश जिवनानी, योर फेवरेट केमिस्ट्री एजुकेटर एंड मेंटर। रीनीट बेटा हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 1563 स्टूडेंट्स का, और उसमें से भी बेटा 813 स्टूडेंट्स ही अपेयर हुए। लगभग लगभग 52% स्टूडेंट्स ने ही रीनीट का पेपर दिया। तो एक तरीके से मैं आप लोगों को इसकी एनालिसिस बता देता हूं यार कि यार किस तरीके का केमिस्ट्री का पेपर आया, कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछे गए, 11th के पोर्शन से कितने आए, 12th के पोर्शन से कितने आए। तो एक यार अपन लोग एनालिसिस कर लेते हैं। और अगर आप लोग को बेटा पूरा पेपर चाहिए तो वो भी बेटा आप लोगों को पूरा टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये पूरा पेपर बेटा एक बहुत अच्छे प्रिंट में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपलोड हो जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और एनालिसिस के लिए बेटा ये पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? अच्छे से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। अगर रीनीट होता है, ठीक है, जिसका जो फैसला है वो बेटा अपन लोग को 8 जुलाई को पता चलेगा। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जिस हिसाब से बोलेंगे उस हिसाब से हम लोग को उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। रीनीट होगा या नहीं होगा ये हमको 8 जुलाई को ही पता चलेगा। लेकिन अगर रीनीट होता है, बाय चांस मान लीजिए 1% भी चांस है रीनीट होने के, तो पेपर बेटा कुछ इस तरीके का ही आएगा जो बेटा आप लोग का रीनीट वाला पेपर आया, ठीक है? यहां पे देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं कि एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले बात बेटा आपका एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर था, कोई भी बेटा बाहर से सवाल नहीं था, प्रॉपर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे हुए थे आप लोगों का। बहुत इजी टू मॉडरेट लेवल का पेपर था, ठीक है? बहुत ज्यादा डिफिकल्ट पेपर नहीं था। जिस तरीके का आ रहा है, एक जिस तरीके का आप लोगों ने बेटा 5th में को दिया था, वैसा सही कुछ कुछ पेपर था। और कोई भी क्वेश्चन बेटा डिलीटेड पोर्शन में से नहीं था, केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं, ठीक है? केमिस्ट्री में से कोई सभी पोर्शन डिलीटेड से नहीं था, ठीक है? डिलीटेड सिलेबस है। अब यहां पे देखिए बेटा 5th मई को भी ये चीज देखी गई थी कि जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो डोमिनेट करी थी बेटा। इस बार भी अगर आप ये पेपर देखोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री से बेटा 20 क्वेश्चन आए हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15। तो फिजिकल केमिस्ट्री बेटा डोमिनेट कर रही है। और अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि एक एग्जैक्टली एक चैप्टर से कितने सवाल आए हैं, ये भी मैं पूरी बेटा एनालिसिस करके आया हूं, ठीक है? तो आप लोगों को ये आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि बेटा फिजिकल केमिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है। और ये तो बेटा ऑब्वियस सा ट्रेंड है कि यार आपका जो क्लास 11th है उससे बेटा 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं और क्लास 12th से 27 क्वेश्चन आए। ये तो यार हम लोग हर साल ही देखते हैं कि क्लास 12th थोड़ा सा डोमिनेट करती है। मतलब ऐसा मानो कि यार 55% क्लास 12th होता है तो 45% क्लास 11th होता है, ठीक है? तो इस तरीके का ब्रेकअप था क्वेश्चन पेपर का, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए अगर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें और एक एक चैप्टर को डिकोड करते हुए चले, तो यहाँ पे देखिए बेटा जो आपका पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसको हम लोग मूल कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, वहां से कितने सवाल बेटा 2 सवाल। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बेटा मैं आप लोगों को बार बार बोलता रहता हूँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 सवाल बेटा केमिस्ट्री में यहाँ से पूछे गए। और आपको ये फिजिक्स में भी हेल्प करता है, जो आप लोग का मॉडर्न फिजिक्स होती है बेटा वो भी बहुत सारी चीज यहीं पर ही कवर हो जाती है। तो इसको आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ा करो, ठीक है? ऐसे बेटा आप लोग का थर्मोडायनेमिक्स अगेन केमिस्ट्री में तो हेल्प करता है, 3 सवाल पूछे गए, फिजिक्स में भी आप लोग का हेल्प करता है, ठीक है? इक्विलिब्रियम में बेटा दोनों चैप्टर इंक्लूड कर दिया मैंने, केमिकल और आयनिक इक्विलिब्रियम, यहां से बेटा आपके 3 सवाल आए हैं, ठीक है? रेडॉक्स रिएक्शन से बेटा 1 सवाल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2, केमिकल काइनेटिक्स ये बेटा बेहद बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर बनता हुआ जा रहा है। आप अगर 5th मई का पेपर देखो तो वहां पे भी बेटा केमिकल बॉन्ड केमिकल काइनेटिक्स से 3 सवाल पूछे गए थे। ये बेटा एक छोटा चैप्टर है ना, बहुत जल्दी हो जाता है, 4-5 क्लासेस में हम लोग इसे अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन इससे हम लोग एक्सपेक्ट करते थे कि यार 1-2 सवाल आएंगे, लेकिन पिछले 2 पेपर में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से 3-3 सवाल पूछे जा रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर निकल के आ रहा है। एंड फिर सोल्यूशन से कितने सवाल, 3 सवाल। तो फिजिकल केमिस्ट्री डोमिनेट कर रही है, 20 क्वेश्चन 50 में से बेटा 20 क्वेश्चन आपके फिजिकल केमिस्ट्री से ही आए हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आइए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, क्योंकि देखो बेटा ये एनालिसिस बहुत जरूरी है। इस एनालिसिस से आपको भी पता चल जाएगा कि यार कैसा पेपर पूछ रहा है और कौन से अब आपके हाई वेटेज चैप्टर हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोगों को पता है आप लोगों का सबसे कम सिलेबस है, क्योंकि जो चैप्टर्स डिलीट है वो सबसे ज्यादा बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही डिलीट है। तो यहाँ पे देखिए बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी, जिसको हम लोग पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, कितने सवाल आए बेटा 2 सवाल आए। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर कितने सवाल बेटा 3 सवाल, ये हम लोग बोलते भी बेटा एक हाई वेटेज चैप्टर है, यहां से 3-4 सवाल आते ही आते हैं। फिर देखिए बेटा पी ब्लॉक, अब ध्यान रखिएगा बेटा पी ब्लॉक अब आप लोगों का हाई वेटेज चैप्टर नहीं रहा है। पी ब्लॉक है बहुत बड़ा चैप्टर, आप लोगों का क्लास 11th में भी है, क्लास 12th में भी है, ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक है, लेकिन यहां से सिर्फ और सिर्फ 2 सवाल बन रहे हैं। इसके बजाय कौन सा एक हाई वेटेज चैप्टर अब निकल के आ रहा है बेटा, DNF ब्लॉक आप लोगों का एक हाई वेटेज चैप्टर आ रहा है। इतने सवाल 3 सवाल आप लोगों के 5th मई वाले एग्जाम में भी आए थे और जो रीनीट हुआ है उसमें भी बेटा आप लोगों के 3 सवाल आए हैं। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो DNF ब्लॉक को जो बच्चे इग्नोर करते थे अब आपको इग्नोर नहीं करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है? यहाँ पे देखो बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक हाई वेटेज चैप्टर, 3 सवाल यहाँ से। सॉल्ट एनालिसिस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है, 2 सवाल बेटा 5th
मेरे को भी आए थे और दो सवाल बेटा आप लोगों के इस रीनीट में भी आए हैं। ठीक है, तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटल क्वेश्चन कितने बेटा 15 क्वेश्चन। अब आ जाओ बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा जीओसी भर भर के सवाल पूछते हैं, कितने सवाल बेटा 3 सवाल। हाइड्रोकार्बन में बेटा कितने 2 सवाल। अब देखो बेटा एक प्रॉपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हेलो एल्केन हेलो एलीन से 2 सवाल, अल्कोहल फिनोल इथर 2 सवाल, एल्डिहाइड कीटोन 2 सवाल, अमीन बेटा 2 सवाल, बायोमोलिक्यूल 1 एंड प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 1। तो अगेन बेटा कितने क्वेश्चन 15 क्वेश्चन। आप लोग देखिए बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन होता है जहां पे एक एक चैप्टर से तीन तीन सवाल अच्छे खासे पूछे जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डीएनएफ से 3 आ गए, कोऑर्डिनेशन से 3 आ गए, केमिकल बॉन्डिंग से 3 आ गए। ठीक है, आप लोगों का जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। जीओसी तो बेटा होता ही इतना बड़ा है, हम लोग खुद 15 से 20 लेक्चर्स में हम लोग जीओसी कंप्लीट करते हैं, तो जीओसी तो होता ही खुद इतना बड़ा है। तो वहां पे बेटा 3 सवाल है, बाकी सब में आप देखोगे दो 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 सवाल, और लास्ट के जो दो चैप्टर है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और बायोमोलिक्यूल्स वहां से बेटा 1 सवाल। ठीक है, तो मोटा मोटा अगर आप एनालिसिस करो पेपर की तो 5th में जैसा ही पेपर आया है। ठीक है, पूरा पेपर आप लोग को चाहिए टेलीग्राम चैनल पर वो मिल जाएगा, आप लोगों को पूरा पेपर दे दूंगा, आराम से उसे देख लीजिएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोगों को अगर चीजें याद होंगी तो आप लोग उसे सॉल्व भी कर लोगे। ठीक है, बाकी बेटा 8 जुलाई का सबको इंतजार है, क्या डिसीजन आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, जो भी डिसीजन आएगा उस हिसाब से हम लोग सारे के सारे एफर्ट लेंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर रीनीट होता है तो बेटा आपको केमिस्ट्री की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम लोग सारी चीजें पढ़ेंगे इसी चैनल पर बेटा लाइव बैठे रहेंगे, लेकिन आपको पूरी तरीके से प्रिपेयर करके भेजेंगे। ठीक है, और बेटा जो बच्चों ने नीट 2025 सपना बना लिया है वो बेटा अब देरी मत करिए बेटा, आपके पास समय नहीं है। आप अगर सपोज करिए आपके मार्क्स 300 हैं, 350 और आप वेट कर रहे हो कि नहीं 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 रीनीट होगा या नहीं होगा, आप समझ करो, आप सोचो आप 2-3 महीने लेट हो जा रहे हो प्रिपरेशन में। अगर रीनीट का फैसला आता है तो 8 जुलाई को बेटा फैसला आएगा, उसके बाद बेटा 3-4 हफ्ते में रीनीट होगा, तो आप लोगों की प्रिपरेशन स्टार्ट होगी मिड अगस्त से जाके। तब तक बच्चा जो ऑलरेडी 2025 की प्रिपरेशन कर रहा है वो शायद क्लास 11th भी बेटा फिनिश कर चुका होगा। तो बेटा अगर आपके मार्क्स कम आए थे और जेन्युइनली मार्क्स आप लोगों के कम आए थे नीट 2024 में और आपका टारगेट बनाना है बेटा नीट 2025, तो बेटा बैच अभी ही स्टार्ट हुआ है विक्ट्री 2.0, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं, GNT77 कोड लगा सकते हैं। ओनली बैच भी बेटा अवेलेबल है एज वेल एज महापैक भी है। महापैक में बेटा आपको सारी चीजें मिल जाती है, डिटेल्ड बैच मिलेगा, फ्यूचर के बैचेस आप लोगों को सारे फ्री मिलेंगे, क्रैश कोर्स हो गया, प्रैक्टिस कोर्स हो गया, 35,000 प्लस क्वेश्चन बैंक फ्री में मिलेगी, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, अचीवर्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, डाउट सॉल्विंग भी बेटा, 3D लर्निंग भी है। आप लोग GNT77 कोड लगा सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड आप लोग अच्छे तरीके से एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलो बेटा बैच बहुत अच्छे से चल रहा है, आप लोग आइए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करिए। ठीक है, चलिए, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, सी यू गाइस, बाय बाय।